नगरी विकास आवासन और स्वायत्त शासन विभाग कोरोना के संक्रमण से बचाव में आगे आया है। इसके लिए मंत्री शांति धारीवाल ने प्रदेश के सभी नगरी निकायों को अस्थाई और संविदा सफाई कर्मियों को भी नगद सहायता राशि देने के आदेश दिए हैं। ऐसे मंत्री धारीवाल ने बताया कि वैसे सफाई कर्मचारियों को मास्क, सैनिटाइजर, साबुन के लिए 1,000 रुपये का नगद भुगतान करें, इससे वो कोरोना से बचाव के लिए जरूरी सामान की खरीदारी कर सकें। इसके लिए विभाग ने सफाई कर्मचारियों, जमादारों और स्वास्थ्य निरीक्षकों को इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि नगरीय निकाय ने पहले इसका भुगतान केवल स्थायी सफाई कर्मचारियों को ही किया है, लेकिन कोरोना संक्रमण के साफ सफाई काम में अस्थायी ठेका संविदा सफाई कर्मचारियों को भी लगाया गया है, इसलिए कोरोना वायरस से उनके पास सेहत और सुरक्षा के लिए भी सुरक्षा उपकरण होना जरूरी है, इसलिए इस वर्ग को भी 1,000 रुपये का नगद भुगतान किया जाए।